नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल निक्की ब्लॉग में। मित्रों, हिंदू धर्म में जो माघ का महीना रहता है उसका एक अलग ही महत्व होता है। इसी माह में गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। जहाँ तक आपको पता ही है कि एक और चैत नवरात्रि और आसीन माह की नवरात्रि के माह में नौ रूपों की पूजा अर्चना होती है, वहीं दूसरी और गुप्त नवरात्रि में माँ आदि शक्ति की दस महाविद्याओं की आराधना की जाती है। जहाँ तक 2021 के फरवरी महीने की बात करें तो गुप्त नवरात्रि 12 फरवरी से शुरू हो रही है। ऐसे में अगर आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने पूजा में कुछ खास चीज़ों को शामिल करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, माँ दुर्गा को ऐसे करें तैयार। माँ दुर्गा की पूजा के लिए सबसे पहले माँ की एक प्रतिमा या चित्र मंदिर में रखें। माँ की इस तस्वीर को लाल रंग के वस्त्र में रखें और माँ पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। दोस्तों, पूजा में सामग्री की बात करें तो आम के पत्ते, चावल, दुर्गा सप्तशी की किताब, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग और इलायची, इन सभी पूजा सामग्रियों का होना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, माँ दुर्गा की पूजा के लिए सबसे पहले सुबह स्नान कर साफ धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहने। ऊपर लिखी हुई पूजा सामग्री को एकत्रित करें। एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए। नवमी तक हर दिन इसमें पानी का छिड़काव करें। पूजा विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करें। इसके लिए पहले कलश में गंगा जल और उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े में लपेट ले दोस्तों और कलावे के माध्यम से उसे बांध दे। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दे। फूल, कपूर, अगरबत्ती और ज्योत के साथ दुर्गा माँ की पूजा करें। मित्रों, 9 दिन तक माँ दुर्गा के मंत्र की जाप करें और माता का स्वागत कर सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन कर पारण करें और इसे तरह तरह के व्यंजन, पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन करें। इसमें माँ की आरती करें, फूल और चावल चढ़ाएं और उसके बाद वेदों से कलश को उठाएं। दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आज की यह दुर्गा पूजा नवरात्रि की विधि आपको अच्छी लगी होगी, गुप्त नवरात्रि की। तो चैनल को एक छोटा सा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।